के सबसे पहले इनको लेना था दिशा का ज्ञान, दिशा कौन सी किस तरफ है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो एरो बन रहा है ना, यहाँ से जब देखते हैं रात के टाइम में बैठ के यहाँ से, तो सामने ऊपर में दिखता है उत्तर दिशा में ध्रुव तारा। तो फिर ऐसे दिशा का ज्ञान पहले लिया गया, सबसे पहले ये बनाया गया, उसके बाद में दूसरे यंत्र बने हुए। अब ये जो अपन देख रहे हैं इसको बोलते हैं लघु सम्राट यंत्र। तो ये जयपुर का लोकल टाइम बताता है। तो इसमें जो देख रहे हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह पार्ट में ये जो बना हुआ है, अलग अलग 6 पीस मार्बल लगे हुए हैं। तो ये 6 घंटे के हैं। तो मॉर्निंग में जब सन सूर्य जो होता है 6 बजे पास से, तो 6 से लेकर 12 बजे तक इधर साइड में वर्क करता है। 12 से शाम के 6 बजे तक उधर सक्कत बना कैसे होता है। ये जो अपन ऊपर देख रहे दिख रहा है 6, फिर 7, देखा 10, फिर ये 11 है। अभी जो टाइमिंग हो रहा है मैं आपको टाइम बता दूंगा। तो ये जो टाइम हो रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ 10 के बाद में ये जो है 15 मिनट का बना हुआ है। तो अभी 11 बजे नहीं सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप पूरा सुनोगे तब समझ जाएंगे। अब ये बजा हुआ 10 है ना, 10 के बाद में ये 15 मिनट कितना हुआ, इसके बाद में ये 10:30। लेकिन ये एक्चुअल छाया भी यहाँ तक नहीं पहुँचा, थोड़ा इससे पहले है। ये देख लो, तो ये जो मिनट का ये 5 मिनट का गैप है और ये सेकंड है, पूरा सेकंड तक का घड़ी कैलकुलेशन होता है। हाँ, अभी ये कितना हो रहा है अभी? हाँ 11:05, मतलब ये 10 हुए और ये 15:30 11:30 है ना, 11:30 से कम है एक दो मिनट बस, ठीक है ना। अब इसके अंदर में अपने ऐड करना है प्लस ये, मतलब ये 10:30 है, 10:30 में 2 मिनट कम है, इसमें प्लस ऐड करना है ये 30 सेकंड। तो 30 सेकंड जो डिफरेंस टाइम है, तो अपने जो घड़ी का टाइम और इसका जो टाइम है उसके बीच का जो गैप है वो ये यहाँ पे लिखते है, और ये हमेशा चेंज होता रहता है। कल जब हम आए थे 34 था, ऐसे ही आज 37 है। ये डिफरेंस टाइम के बीच में यहाँ लिख के रखते हैं। अब इन दोनों को काउंट करोगे ना तो आपका घड़ी का एक्चुअल टाइम आ जाएगा इसके अंदर। बरोबर, एक्चुअल टाइम आ जाएगा इसमें। जो डिफरेंस जो होगा खाली ये जब छाव, हमारा तो फर्क पड़ती है, जब यहाँ पे लास्ट 12 बजे तक छाव यहाँ तक रहता है, फिर उसके बाद में जब उधर जाता है ना तो 20 सेकंड का अंतर होता है, 20 सेकंड बाद में उधर छाव दिखने लग जाता है। ये जो बीच में बना हुआ ये सुई है, तो यहाँ का जो जयपुर का जो 27 डिग्री पे है, ये जितने भी यंत्र बने 27 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। तो इसका जो छाव है ना, शेडो छाया, वो इधर में आता है, 20 सेकंड का टाइम लेता है, फिर वापस इधर आ जाए। तो ये 12 बजे बाद में ये पार्ट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो इसमें जो टाइम जो देखते हैं उसके बीच में डिफरेंस टाइम जोड़ के और एक्चुअल टाइम आ जाता है, ऐसा टाइम देते हैं। क्योंकि पहले घड़ी वगैरह ये तो था नहीं, लोग इसके लिए टाइमिंग है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, ये दिख रहा आपको नाड़ी वाला, ये दक्षिण गोलार्ध है। उत्तर में देखा था उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था शेडो पटर, यहाँ पे 24 घंटे का टाइम काउंट होता है, दिन और रात। जब चंद्रमा की जब अंधेरी उज्वल होती है, चंद्रमा की जो रोशनी उस टाइम में भी ये अच्छी कंडीशन में रहता है। इसमें जो टाइमिंग का नीचे दिखा 10, 11, 12 घंटे 24 घंटे वर्क करता है, ठीक है। इसमें भी वही उसके बीच में जो टाइम में लिखा हुआ ये दिखा आपको 9:30 वो वापस वही बात आ गई ना, जो अंतर है वो प्लस एड करना है, तब जाके इसमें एक्चुअल टाइम आएगा। ये जो टाइम इसमें दिख रहा है ना, इसमें वो 47 मिनट एड करना है डिफरेंस टाइम। हाँ, फिर एक्चुअल टाइम घड़ी का आ जाएगा इसमें मिलेटेड टाइम है 24 घंटे। तो वही 5 मिनट वाला है, फिर सेकंड वाला आ गया वापस है, और इसी के अंदर फिर वो डिफरेंस टाइम ऐड करेंगे तो एक्चुअल टाइम अभी का जो है वो आ जाएगा। जब छोटे दिन और बड़े दिन होते हैं ना, तो दो टाइम में ये ऊपर में जो बना हुआ है ना वो वर्क होता है।
कि सबसे छोटा दिन सबसे बड़ा दिन जब आते हैं ना तब ये दोनों काम नहीं करते, तो वो दो दिन के लिए वो काम करता है मार्च में सितंबर में। अरे राजा ने देखो कितना दिमाग लगा के वो सख्त। वगैरह निकाल के फिर वहाँ पे जो टेलीस्कोप लगा के वो जो यंत्र डालते फिर जो धूप पड़ता है डाल के फिर ये पूरा कैलकुलेशन वहाँ से निकालते हैं ग्रह नक्षत्र वगैरह। भाई ये इतने भी अच्छा है। हाँ आप फोटो वगैरह अपनी राशि के आगे लेना एक बार ले लीजिए फिर मैं आगे ले जाऊंगा। જયપ્રકાશ યંત્ર આ બે પાર્ટ નું બનેલું છે, પેલા જે રાજા બનાવ્યું હતું એક્સપેરિમેન્ટ માટે આ બાજુ બનેલું છે સામે કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં કેલ્ક્યુલેશન કરને કે પૂરા તો સન જો યહાં પે ગિરતા હૈ ના યે તો ઠીક હૈ લોહે કા જો એંગલ પટ્ટી લગા હુઆ હૈ ઇસકા જો ફાલ ગિરતા શેર હૈ તો વો ભી વહાં ગિર રહા હૈ ઠીક હૈ તો યે કોન સી રાશિ મેં વો ચીજ પતા કરતે હૈ તભી યે વર્કિંગ કન્ડિશન મેં યે ભી અભી હૈ अभी ये कोई बता दे, ये देख के कोई बता सकता है ऐसा कोई है? नहीं आते ना, आते हैं ना। तो उनके ज्योतिष हम तो क्या पैसे समझाते लेकिन यहाँ के ज्योतिष आज पुरोहित है ना तो अभी भी यहाँ बैठते हैं क्योंकि चार्ज नहीं लगता। अब दिखाना तो उनको दिखा सकते हो सब बता सकते हैं तो उनको अवार्ड भी मिले हुए हैं और वो वहाँ बैठ कर मैं बताऊँगा आपको मिला हुआ नहीं मिला नहीं तो नहीं तो आए हो तो देखो ना सब चीजें देखने का हिस्सा ही है ठीक है। तो ये अभी जो मकर राशि मकर संक्रांति भी गया ये शेडों से गिरा ने से तो ये छह महीने इधर वर्किंग करता बाकी टाइम में उधर वर्क करता है। तो जब वो छाव जो है नीचे आ जाता ना उसके नीचे तो वो वहाँ के पट्टी का उसमें काम करता है। वो जब भी हिला है ना वो देखा ना इधर आ गया अभी जो ये काम नहीं कर रहा है दिख रहा है यहाँ पे वो काम कर रहा है वो जब वो नहीं करता वो यहाँ गिरता है कसर में। तो ये जो
इसमें मेन कैलकुलेशन ये होता है सूर्य कौन सी राशि में, ठीक है। फिर वो कम्प्लीटली वो बनाया इसको अलग अलग करके, तो पहले ये इस तरीके से बनाया था, फिर ज्योतिष को ऐसा समझ नहीं आया, बोले ऐसे में पानी भर जाता था निकलता नहीं था, फिर अंदर उतर के गणना कर नहीं सकते थे, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट के लिए पहले बनाया गया, फिर इसको कम्प्लीटली वहां पे बनाया गया था। ये पहले एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया, ये खाली ऐसे देखने के लिए, देखो ये एकदम नजदीक से एकदम क्लियर दिख रहा है, कैसे सब राशियां लिखी है, कुंभ लग रहा है, मकर मिथुन लग रहा है, तो ये सब राशियों का कैलकुलेशन करते हैं। आज भी ज्योतिष जयपुर को फेमस है, तो चार्ज नहीं लेता, दिखाना दुकान से तो बताऊंगा आपको। ये कपाल यंत्र ऐसे सब दिखाएंगे, भगवानी शास्त्र यहाँ पे बायोस्कोप लगा के फिर उसका वो निकाल देते हैं ना, अब उधर में जो आप देख रहे हैं सामने, एक तो ये जो बना हुआ है दिशा का, तो कौन सी दिशा में नॉइंट हुई है दिशा ज्ञान के लिए, इधर में जो दो दिख रहे ना को ए और बी, तो संत की हाइट पे सन कितनी परिक्रमा कर चुका वो चीज वहाँ पे जा सकते हैं, बना रखा है पूरा डिग्री कितनी हाइट पे सन, यहाँ से हाइट का पता करते थे, तो इसका जो शेडो गिरता नहीं डंडे का, ये शेडो तभी यहाँ पे नहीं गिर रहा, तो शेडो जो गिर रहा उधर तभी वर्किंग कंडीशन उधर है, तो वन हावर में ये इधर उधर होता है। वो है ना सैडो गिर रहा है ना, वहाँ से हाइट का और पृथ्वी कितना चक्कर काटी, कल बात ये तो तुझे 12 बजे है ना, तो पृथ्वी को सैडो यहाँ होती है, मतलब यहाँ से शुरू करती है, तो पूरे दिन में रात को घूमती हुई ये यहाँ पे पहुंचती, अब किसी वक्त सैडो पे चिपी जाओगे ना, देखो अब यह 340 डिग्री के आसपास उसका रोटेशन है, 340 डिग्री घूम गई है, और 12 बजे 360 डिग्री घूम गई, अभी वहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं जरूर, और इससे नीचे जो है ना 41 हो जाएगा, तो मतलब ये सन कितनी हाइट पे है, 41 हो जाएगा, सन ने कितना परिक्रमा किया पृथ्वी का, ये पूरा ये कैलकुलेशन मतलब यहाँ से निकाल, साल का वो अपन क्यों दिखाता है, हाँ तो वो जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो एक्चुअल कैलकुलेशन वही लोग कर पाते हैं, मैं कर पाऊ ना आप समझा सकते, हम समझा सकते काम आता हूँ।